हाँ, मगर भाई गीत माना रेडियो प्रोग्राम से मैं कैसे जोड़ा ये भी सुन लीजिए। साल था 1951। मैंने अपने बड़े भाई और गुरु हमीद सायानी के साये में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी पर इंग्लिश ब्रॉडकास्टिंग तो बहुत कर ली थी, मगर नए भारत का नया नौजवान होने के नाते मैंने चाहा कि अब मैं ऑल इंडिया रेडियो पर देश की भाषा हिंदी में भी बोलूं, जिसे मैं लिख तो काफी अच्छी तरह लेता था, मगर मेरी हिंदी और उर्दू की बातचीत में इंग्लिश के अलावा गुजराती और मराठी का भी बहुत असर था। बम्बई की पैदाइश थी ना, तो इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो वालों ने मुझे हिंदी प्रोग्राम के लिए बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, यानी कि फेल। तो इस पर मेरा दिल टूट सा गया और टूट कर कहने लगा, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। ये रो पहली छाओ ये आकाश पर तारों का जाल, ये रो पहली छाओ ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल, लेकिन कौन समझे, कौन जाने जी का हाल, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, रास्ते में रुक के दम लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं, और कोई हम नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं। वैसे भाई ऑल इंडिया रेडियो ने जो मुझे हिंदी में फेल किया था ना, वो उनकी तरफ से तो बिल्कुल सही था और वाजिब था, मगर उससे जो चोट मुझे लगी थी ना, उसका घाव करीब 15 वर्षों बाद सुनिए कि कैसे भरा। एक बार मैं उस जमाने के नए स्टार अमिताभ बच्चन को इंटरव्यू कर रहा था और बहुत तारीफ कर रहा था उनकी खरजदार आवाज की, तो अमिताभ बोले, नहीं नहीं एक मिनट ठहरिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर फरमाइए। और वो ये है कि आप लोग मेरी आवाज की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? भाई तारीफ तो करनी ही चाहिए, क्योंकि अमिताभ साहब आपकी आवाज है ही बड़ी अच्छी। अमीन साहब मैं तो ऐसा नहीं समझता। अरे मगर आखिर क्यों भाई? इसकी वजह है, कॉलेज खत्म करने के बाद और नौकरी करने से पहले मैं दिल्ली में, मैंने सोचा कि रेडियो के ऊपर कुछ प्लेज करने चाहिए जी, और इसके लिए मैं वॉइस टेस्ट के लिए गया रेडियो पे, और वहां पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया? जी हाँ, दो बार गया मैं, एक बार अंग्रेजी के लिए, एक बार हिंदी के लिए, और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत चिट्ठी मुझे मिली जिसमें लिखा था, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर वॉइस इज अनसुटेबल फॉर आवर पर्पसेस। तो बहनों भाइयों, तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि अरे जब अमिताभ बच्चन जैसे गजब के बोलने वाले को रेडियो ने फेल कर दिया था, तो साहब मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं था।
खैर साहब छोड़िए इस बात को, अब गीतमाला की और मेरी कहानी मजे से बढ़ती है और आगे।